हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट किया था, बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ वैसे बैक्टीरियाज के बारे में, कुछ वैसे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो पैथोजेनिक हैं, जो कोई डिजीज़ कॉज करते हैं, और उनके प्रिवेंशन और कॉजेज़ के बारे में हम देखेंगे क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे प्रिवेंशन होते हैं, और उन बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो पिछले वीडियो में हमने एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, माइक्रोकोकस, उसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक नेक्स्ट बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टेफाइलोकोकस किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, क्या शेप, क्या साइज, क्या स्ट्रक्चर, क्या चीज़ होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कल के वीडियो की तरह ये भी जो बैक्टीरिया है माइक्रोकोकस की तरह भी ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव होने का मतलब ग्राम स्टेनिंग में ये पॉजिटिव आएगा, क्रिस्टल वॉलेट स्टेन जो है उससे ये स्टेन हो जाएगा, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में। उसके बाद अपन देखते हैं कोकाई बैक्टीरिया, ये भी कोकाई मतलब राउंड शेप्ड बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया भी राउंड शेप्ड होगा। इसका जो साइज़ है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होगा, डायामीटर जो है इसका वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का इसका टोटल डायामीटर होगा, ठीक है। सो ग्राम पॉजिटिव राउंड शेप्ड और 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में इसका डायामीटर होगा। अब इस बैक्टीरिया की एक स्पेशलिटी है कि ये जो है गुच्छे में पाया जाता है, क्लस्टर्स मतलब गुच्छा, एक जगह बहुत सारे बैक्टीरियाज मौजूद होंगे तो कॉलोनीज़ में गुच्छे में पाया जाता है, और एक तरह से इसका जो अंगूर का गुच्छा होता है ना उस तरह से इसका अपीयरेंस होता है, जिसकी कॉलोनी जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, हम जब कॉलोनी इसकी अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये अंगूर का गुच्छा जैसे होता है उस तरह से ये शो होगा, उस तरह से ये दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंडर में, ठीक है। सो फाउंड इन क्लस्टर्स एंड लुक लाइक ग्रेप बंच इन कॉलोनी, लुक्स लाइक ग्रेप बंच इन कॉलोनी, ठीक है, ग्रेप बंच की तरह रहेगा, क्लस्टर की तरह दिखेगा। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट कि ये जो है यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसलिए ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल मतलब यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होगा, कोई भी लोकोमोटरी पार्ट नहीं होगा, इस कारण से ये नॉन मोटाइल होगा, चल नहीं पाएगा, ये मूव नहीं कर पाएगा। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है, कल्चर बेसिकली इसका कहाँ पे होता है, उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। तो ग्रो एक्टिवली इन अ मीडियम एट 12 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इन अ मीडियम एट 12 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये ग्रोथ कर जाएगा, पर जो ऑप्टिमम ग्रोथ होगा वो रूम टेम्परेचर पे होगा, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, जो मैक्सिमम ग्रोथ, ऑप्टिमम ग्रोथ होगा, मैक्सिमम ग्रोथ होगा वो रूम टेम्परेचर पे होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, इतने जब टेम्परेचर रहेगा तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि सर्वाइव बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन, या फिर एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप के कंडीशन में ये ग्रो कर पाएगा, सर्वाइव इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस रहेगी और अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं रहेगा, इन दोनों ही कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाएंगे, सर्वाइव इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशंस
एरोबिक मतलब जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, एनएरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, वैसे कंडीशन को हम एनएरोबिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं पीएच। पीएच जो है जनरली अल्कलाइन चाहिए, 7.4 से लेकर 7.6 या 7.7 तक का पीएच चाहिए होता है। तो 7.4 से 7.6 का पीएच मतलब स्लाइटली अल्कलाइन है, 7 से नीचे क्या होता है एसिडिक, 7 से ऊपर क्या है अल्कलाइन पीएच चाहिए। ठीक है, इस पे इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है, मैक्सिमम ग्रोथ होती है इस पीएच पे। तो आप देख लो अपन को क्या क्या मिला कि 37 डिग्री सेल्सियस और 7.4 से 7.6 की पीएच, इसके बीच में इसकी जो ग्रोथ है सबसे ज़्यादा होती है, जबकि ये 12 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, इस टेम्परेचर के बीच में भी ये ग्रो कर सकता है, पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ 37 डिग्री सेल्सियस और अल्कलाइन पीएच, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा ही ऊपर पीएच जो होगा 7.4 से 7.6। पीएच मीटर पे 7 को न्यूट्रल माना जाता है, 7 अगर पीएच होगा तो न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर अगर पीएच जाएगा तो अल्कलाइन, नीचे आएगा तो एसिडिक। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम स्टेफाइलोकोकस के ही बारे में। स्टेफाइलोकोकस के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि अब ये जो है इसको जो कल्चर करेंगे, अगर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस पे कल्चर करते हैं 7.4 से 7.6 पीएच के बीच में, तो 24 घंटे में इसकी जो कॉलोनीज़ है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, जो हम कल्चर करेंगे लेबोरेटरी कंडीशन में अगर, तो 24 घंटे के अंदर इसके कल्चर जो है दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो कल्चर्ड कॉलोनी कैन बी सीन विद इन, कल्चर्ड कॉलोनी कैन बी सीन विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में कल्चर्ड कॉलोनी जो है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। मिल्क अगार विथ 7% सोडियम क्लोराइड, मिल्क अगार में 7% NaCl मिला दें तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल मीडियम होता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। सो मिल्क अगार विथ 7% NaCl इज़ द सेलेक्टिव मीडियम फॉर कल्चर, इज़ द सेलेक्टिव मीडियम फॉर कल्चर, मतलब 7% NaCl मिल्क अगार में मिला के अगर हम ग्रो करवाएं स्टेफाइलोकोकस को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं इसकी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी, किसके प्रति ये रेसिस्टेंट है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि ये जो है इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, अगर इस बैक्टीरिया को 60 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाया जाए, 60 डिग्री टेम्परेचर पे आधे से एक घंटे तक रख दिया जाए तो ये मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो कैन बी डिस्ट्रॉयड इफ केप्ट एट 60 डिग्री सी या 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाफ और 1 आवर, आधे या एक घंटे तक अगर आप इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर रख दो तो इसकी डेथ हो जाएगी, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर ये रेसिस्ट नहीं कर पाता है, और लो टेम्परेचर पे रेसिस्टेंट होता है, रेसिस्टेंट टुवर्ड्स लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के लिए ये रेसिस्टेंट होता है, हाई टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता, अगर 60 या उससे ज़्यादा ले जाओ तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी, पर लो टेम्परेचर ये झेल सकता है, लो टेम्परेचर के प्रति इसके अंदर रेसिस्टेंस होती है, तो लो टेम्परेचर में इसकी डेथ नहीं होगी, ये सर्वाइव कर जाएगा। ओके, इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं, यहाँ पे अब लिख सकते हैं वैसे तो कुछ बायोकेमिकल इसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मतलब कि इसके अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है, जो एंजाइम से प्रोड्यूस करता है, उससे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उसके कारण ये शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। सो इट कैन कन्वर्ट शुगर इंटू एसिड बाय फर्मेंटेशन, कैन कन्वर्ट
शुगर इंटू एसिड बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू शुगर को ये एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। उसके आगे अपन देख लें कि ये जो है कैटालेज एंजाइम, पिछले अपन ने देखा था क्लास में माइक्रोकोकस के केस में भी कैटालेज एंजाइम था, ऑल्सो प्रोड्यूस कैटालेज एंजाइम। ये जो बैक्टीरिया है ये भी कैटालेज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। कैटालेज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2 को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है ये कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम क्या करता है, टॉक्सिक हाइड्रोजन परोक्साइड को ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, सॉरी वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो इसके पास भी कैटालेज प्रेजेंट था। माइक्रोकोकस पड़ा, उसके पास भी कैटालेज प्रेजेंट था, वो भी ग्राम पॉजिटिव था, ये भी ग्राम पॉजिटिव था, दोनों कोकाई थे, मतलब दोनों के दोनों राउंड शेप के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, आपने लिख लिया, ये देख लिया, 60 डिग्री से ऊपर अगर आधे से एक घंटे रखोगे तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद लो टेम्परेचर के प्रति रेसिस्टेंस होता है, मतलब लो टेम्परेचर में नहीं मरेगा। उसके बाद ये शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर सकता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद इसमें कैटालेज एंजाइम होती है जो कि हाइड्रोजन परोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ सकता है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन परोक्साइड इज टॉक्सिक इन नेचर, इसी कारण से उसको तोड़ते हैं। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे और देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। बायोकेमिकल एक्टिविटीज तो देख लिए, तो कुछ टॉक्सिन प्रोडक्शन जो ये करते हैं उसके बारे में देखते हैं। टॉक्सिन प्रोडक्शन जो इसके द्वारा होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो है बहुत सारे टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। अब उन टॉक्सिन के बारे में बात करें तो ये जो है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उनके कारण ये टॉक्सिक सिंड्रोम या फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक तरह का ऐसा सिंड्रोम है जहाँ पे हाई फीवर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, शरीर पे रैशेज आ जाएंगे, लाल कलर का स्किन हो जाएगा, जैसे बर्न के दौरान हो जाता है, अगर किसी का शरीर जल जाता है तो जैसा स्किन हो जाता है उस तरह से रेडनेस आ जाएगी स्क्रीन पे, इचिंग होगी स्क्रीन, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इस तरह से फैटिग आ जाएगा, मतलब थकान होने लगेगी और बहुत सारा कन्फ्यूज़न माइंड में आ जाएगा। सो इस तरह के जब सिंड्रोम आती है ये थोड़ा सा मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है बट फिर भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इसके द्वारा होता है जिसके ये सारे सिम्टम्स हैं, और ये मतलब कि थोड़ा रेयर डिजीज़ है और रेयरली किसी में पाया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो अप्रोक्स 1,00,000 लोगों में किसी एक पे पाया जाएगा ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ओके, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये कॉज कर सकते हैं, उसके साथ साथ ये फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। दे कैन कॉज ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, तो फूड पॉइजनिंग भी कॉज कर देते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी कॉज करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं दे इंक्लूड कुछ, अब एंजाइम्स के बारे में भी देखते हैं। दे इंक्लूड हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस हीमोलाइसिस जो है वो एक तरह से लिपिड और प्रोटीन का एक मिक्सचर है, लिपिड या प्रोटीन का मिक्सचर है जो कि RBC रेड ब्लड सेल का लाइसिस करता है। मतलब रेड ब्लड सेल का लाइसिस मतलब रेड ब्लड सेल को तोड़ देता है, और तोड़ता कैसे, उसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके या सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके। तो हीमोलाइसिन के बारे में अगर लिखें तो डिस्ट्रॉय RBC, डिस्ट्रॉय RBC, RBC को डिस्ट्रॉय करता है हीमोलाइसिन। ठीक है, इनके पास हीमोलाइसिन होता है जो कि RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, हीमोलाइसिन के बाद इनके पास जो है और भी अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं। दे हैव न्यूक्लियेजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड चेन को या न्यूक्लियोटाइड चेन को कट कर देते हैं। उसके बाद प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन पे एक्ट करते हैं, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रोटीन को कट डाउन करते हैं। तो न्यूक्लियेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस होते हैं इनके पास।
लाइपेजेस एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियसेस होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, कोलाजिनेसेस होते हैं, मतलब कोलेजन को ब्रेक डाउन करने वाले। कोलेजन आपको पता होगा, अगर आपने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा तो कोलेजन के बारे में आपने जाना होगा कि कोलेजन किसको बोलते हैं। सो दे हैव न्यूक्लियसेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस एंड कोलाजिनेसेस, इन सब के बारे में आपको पता ही होगा मे बी। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड और कोलेजन, इन सबको तोड़ा जाता है यहाँ पे। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि ये जो टॉक्सिन है, ये जो लोकल होस्ट सेल होगा, जिस भी होस्ट पे अटैक करेंगे उसको, मतलब कि किल कर सकते हैं होस्ट सेल को, ये किल कर सकते हैं। दिस टॉक्सिन्स कैन किल लोकल होस्ट सेल, जो होस्ट सेल है उसको ये किल कर सकते हैं और बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करेंगे। ये होस्ट सेल पे अटैक करेंगे और खुद के सेल के लिए न्यूट्रिशन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस की बात हो रही है यहाँ पे, भूल मत जाना ये कि बात किसकी हो रही है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की बात हो रही है। टॉक्सिन जो प्रोडक्शन हो रहा है ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा ही हो रहा है। अब स्टेफाइलोकोकस के द्वारा हो रहा है बट इसके अलग अलग स्पीशीज़ आते हैं, तो इसके स्पीशीज़ के बारे में हम और पढ़ेंगे। बट बेसिकली ये जो जीनस है स्टेफाइलोकोकस, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टॉक्सिन प्रोडक्शन है, कि यहाँ पे शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसके मैंने सिम्टम्स कुछ बता दिए कि फैटिक होने लगेगा, लो बीपी हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, कन्फ्यूजन होने लगेगी, वैसा सिंड्रोम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहलाता है, जो कि कॉमन नहीं है जनरली, बट फिर भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है कभी कभार लोगों में। फूड पॉइजनिंग हो जाती है जो कि बहुत ही कॉमन है। उसके बाद हीमोलाइसिस इनके पास प्रेजेंट होता है जो कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करके। उसके बाद इनके पास न्यूक्लियसेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस और कोलाजिनेसेस टाइप के एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद ये जो टॉक्सिन्स है, ये लोकल होस्ट सेल, जो होस्ट सेल है जिन पे अटैक कर रहे हैं उनको मार सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इनके पास कुछ और टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ एक्सोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ एंटेरोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको मैं आपको बोल के समझा देता हूँ कि जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो वैसे टॉक्सिन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं सेल के अंदर, और बैक्टीरिया उनको फिर बाहर छोड़ देता है, और एंटेरोटॉक्सिन्स वो होते हैं जो कि स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन पे अटैक करते हैं। एंटेरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? स्पेसिफिकली स्पेसिफिक वैसे टॉक्सिन्स होते हैं, एक टाइप के एक्सोटॉक्सिन्स ही होते हैं एंटेरोटॉक्सिन्स, जो कि इंटेस्टाइन के वॉल को अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ एक्सोटॉक्सिन्स का ही एक प्रकार है एंटेरोटॉक्सिन्स, वो भी प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स जो है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर बनता है और उसको बैक्टीरिया बाहर निकाल देता है, और वो सेल पे हानिकारक प्रभाव डालता है, टॉक्सिन होता है। एंटेरोटॉक्सिन सिर्फ इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, ठीक है। और ये जो पूरे टॉक्सिन्स है ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं किसी भी होस्ट के, और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो टॉक्सिन्स हैं जनरली क्या क्या करते हैं? प्लाज्मा क्लॉटिंग, टॉक्सिन कॉज प्लाज्मा क्लॉटिंग, प्लाज्मा क्लॉटिंग होगी, प्लाज्मा जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग होगी, फूड पॉइजनिंग होगी, प्लाज्मा क्लॉटिंग होगी, WBC का डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब WBC ख़त्म होगा, WBC डिस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीज़ें करेंगे, और लास्ट इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम, यहाँ पे लिख देता हूँ इफेक्ट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे आपके स्टेफाइलोकोकस से रिलेटेड, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, क्या शेप होता है, क्या साइज़ होता है। उसके अलावा हमने देखा कि ये कहाँ कल्चर किया जा सकता है, किसके प्रति ये रेसिस्टेंट होता है। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर जो केमिकल है, मतलब कि ये किस तरह से इसके जो केमिकल प्रोडक्शन होते हैं, मतलब ये शुगर को जैसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है, वो सब हमने देखे। और उसके बाद हमने इसका टॉक्सिन प्रोडक्शन देखा कि कैसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और वो टॉक्सिन्स क्या हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। सो आज के लिए हम स्टेफाइलोकोकस यहीं पर रहने देते हैं। इसकी जो पैथोजेनिसिटी है या फिर ये कौन से डिजीज़ और कॉज करता है, और इसका कंट्रोल जो सिम्टम सिंड्रोम है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, किसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और ये कौन से डिजीज़ और कॉज करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Thank you very much.